Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET paper 1, paper 2 commerce and management. I hope कि आपकी UGC NET की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी because exams approach कर रहे हैं and I hope कि जैसे कि हमने बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा questions practice करने हैं ताकि आपके concepts बहुत अच्छे से clear हो सकें और आने वाले जो भी questions हैं upcoming exam में वो आप बहुत आसानी से कर सकें. तो इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए हुए आई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें. सो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर वन का, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दो बहुत ही आसान टॉपिक है पेपर वन का, बट इससे कई पास्ट ईयर क्वेश्चन में काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं या आप कह सकते हैं रिजर्वेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. सो उसी रियल टाइम सिचुएशन का के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए आज मैं कुछ रिजर्वेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं आपके कम्युनिकेशन टॉपिक से. सो आज हम बात करेंगे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ नेगोशिएशंस एंड फाइंड आउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. सो यहाँ पे नेगोशिएशन टॉपिक से बात करी गई है कि नेगोशिएशन से रिलेटेड क्या टर्म्स हैं या क्या फीचर्स हमें गिवन हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है. तो नेगोशिएशन के बारे में अगर थोड़ा सा ब्रीफली बात करें तो नेगोशिएशन होता है जब टू और मोर पार्टीज या मिनिमम दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए, अगर वो आपस में किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी डील के बारे में डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, सो डैट वो एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच सकें और वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या उस पर्टिकुलर डील को क्रैक कर सकें तो उसे नेगोशिएशन कहते हैं. इसका पर्पस ये होता है कि दोनों ही सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज पे आ जाए या फिर आप कह सकते हैं दोनों ही पार्टीज के लिए एक विन विन सिचुएशन हो ताकि वो उस पर्टिकुलर डील में इंटरेस्टेड भी रहें और दोनों ही डील से दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट हो सके. सो ये बेसिक पर्पस होता है नेगोशिएशन का. अब एक बार फीचर्स देखते हैं कि क्या ऑप्शंस में दिए हुए हैं. ए, इट इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मेंट टू रिकनसाइल डिफरेंसेस बिटवीन पार्टीज एंड सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट. बिल्कुल ठीक है, कई बार अगर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो इसलिए भी हम नेगोशिएट करते हैं ताकि हम जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हों या फिर वो किसी अदर मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हों, आप उसे रिकनसाइल कर सके. रिकनसाइल का मतलब होता है उसे सॉर्ट करना या फिर सेटल करना और आप उस पर्टिकुलर डील की तरफ आगे बढ़ सकें. सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स अ मिनिमम ऑफ टू पार्टीज. जैसे कि अभी मैंने बात करी कि नेगोशिएशन करने के लिए एटलीस्ट दो पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास मिनिमम दो पार्टीज नहीं होंगी आप इंटरैक्ट किससे करेंगे और आप अपने जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे. तो दो पार्टीज का होना जरूरी है. सो ये भी एक फीचर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. पर्सनल डिफरेंसेज आर द फोकल पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन. सो कई स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फीचर सही है, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या ये फिर करेक्ट फीचर नहीं है नेगोशिएशन का, क्योंकि जो फोकल पॉइंट है, जो सेंटर है, वो सॉल्यूशन फाइंड करना है या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट है एंड ना कि पर्सनल डिफरेंसेस. अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सनल डिफरेंसेस के बारे में ही बात करते रहेंगे सो आप नेगोशिएशन को के थ्रू सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे. सो पर्सनल डिफरेंसेस शुड नॉट बी द फोकल पॉइंट, रादर सॉल्यूशन फाइंडिंग या फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फोकल पॉइंट होना चाहिए नेगोशिएशन का. सो ये इनकरेक्ट है, सो इसलिए ये हमारा आंसर हो सकता है. फिर भी एक बार फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं. अंडर नेगोशिएशन देयर शुड बी प्रॉपर टेस्टिमोनियल्स फॉर द आर्ग्यूमेंट. टेस्टिमोनियल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रॉपर सबूत एविडेंस होना चाहिए जिसके लिए कई बार आप रिटन आर्ग्यूमेंट्स या आप कह सकते हैं रिटन स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि बाद में कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है तो आपको पता हो कि उस टाइम पे दोनों पार्टीज ने किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स दिए थे या फिर किस टाइप के कंडीशंस रखी थी. तो इसलिए टेस्टिमोनियल्स देना जरूरी होता है. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट फीचर है नेगोशिएशन का. सो जो सबसे ज्यादा इनकरेक्ट फीचर यहाँ पे है वो है सी, दैट इज पर्सनल डिफरेंसेस आर द फोकल पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन. सो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कैसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आया है. एक एक टर्म को समझना बहुत ही जरूरी है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे जो कि रिसेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच टाइप ऑफ बैरियर इमर्जेस फ्रॉम एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेशन से कौन से टाइप का बैरियर अराइज हो सकता है. ये जिस टॉपिक से पूछा गया है वो है टाइप्स ऑफ बैरियर्स. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में. अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस को देखना तो आप हमारे चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट पे जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी.
ऑप्शन देखते हैं, इज इट ए साइकोलॉजिकल बैरियर, इज इट बी कल्चरल बैरियर, इज इट सी सिमेंटिक बैरियर और इज इट डी फिजिकल बैरियर। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक बार चारों बैरियर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कि जब भी आपके मेंटल फैकल्टीज या फिर माइंड की वजह से आप प्री ऑक्यूपाइड हैं, आप अच्छे मूड में नहीं हैं, इसकी वजह से अगर आपकी कम्युनिकेशन हैम्पर होती है तो हम उसे साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। कल्चरल बैरियर तब अराइज होता है जब दो लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, दो पार्टीज, एंड वहाँ पे जो टर्म्स का यूसेज है या फिर आप कह सकते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है टर्म्स की वो अलग अलग है। सो कल्चर से रिलेटेड डिफरेंसेस जब अराइज होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में तो उसे हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। वो क्लियरली दिख जाएगा कि ड्यू टू डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स या फिर ट्रेडिशनल वैल्यूज कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है। सी सिमेंटिक बैरियर, जब भी किसी टर्म्स सिंबल्स से रिलेटेड बात होती है, जैसे टर्म्स का मीनिंग गलत इंटरप्रेट कर दिया गया बट वो कल्चर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, या फिर कोई सिंबल्स हो गए या फिर एक्सप्रेशंस हैं अगर उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है तो फिर वो सिमेंटिक बैरियर का पार्ट बन जाते हैं। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो नॉन वर्बल का पार्ट होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे नॉन वर्बल ऑप्शन में ही नहीं है और एक्सप्रेशन जो है वो भी एक टाइप के सिंबल्स होते हैं, इसलिए वो सिमेंटिक बैरियर का पार्ट बन जाते हैं। डी फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर होते हैं जैसे कि नॉइस या फिर किसी भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ स्पीकर्स का यूज कर रहे हैं या आप माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर इन टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से कोई बैरियर आता है कम्युनिकेशन में तो वो फिजिकल बैरियर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर या फिर मोस्ट सूटेबल आंसर नजर आ रहा है वो है सी सिमेंटिक बैरियर। सो इस तरीके से आपको सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज मोस्ट नीडेड क्वालिटी व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज और हर स्टूडेंट। सो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल एज कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है क्योंकि जो टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, सो वो इंटरचेंजेबली भी पूछ ले जाते हैं। सो यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं, इज इट ए सिंपैथी, इज इट बी एंटरटेनमेंट, इज इट सी एम्पैथी और इज इट डी एंटीपैथी। सो हो सकता है कि आपको कुछ टर्म्स पता हो बट एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। सिंपैथी का मतलब होता है जब आप किसी की सिचुएशन पे, किसी की प्रॉब्लम में उसे सांत्वना देते हैं या उसे बताते हैं कि नहीं कोई बात नहीं चीज़ें ठीक हो, उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं तो उसे सिंपैथी कहते हैं। एंटरटेनमेंट, आपको पता है कि आप फन लविंग बिहेवियर के हैं, एज अ टीचर आप बच्चों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं तो उसे एंटरटेनिंग बिहेवियर कहते हैं। सी का मतलब है होता है एम्पैथी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप किसी दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को समझने के लिए उसे सिंपैथी या सांत्वना नहीं देते हैं, रैदर अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हैं, दैट इज उसे कई बार एक टर्म भी दिया जाता है, दैट इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन। आप खुद को दूसरी की जगह रख के देखते हैं कि अगर मैं उस जगह होता तो मुझे कैसा फील होता, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता, और इन चीज़ों को जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो उसे हम एम्पैथी कहते हैं। एंटीपैथी, ये एक नया टर्म है जो आपने सुना होगा, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारे नहीं सुना होगा। एंटीपैथी होती है जब आप किसी को लेकर ऑलरेडी एक डिसलाइक या नापसंद करने की भावना बना लेते हैं। सो कई बार हमें कुछ स्टूडेंट शैतानी करते दिखते हैं और ऑलरेडी हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो इसे हम एंटीपैथी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है सो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए वो होनी चाहिए एम्पैथी। और इसका रीज़न ये है कि जब तक एक टीचर के अंदर एम्पैथी नहीं होगी तब तक वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का एंड आपके एंगल से तो वो टॉपिक बहुत आसान है, बट एज अ स्टूडेंट उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से नहीं आया है, वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से अवेयर नहीं है और इस वजह से उसे वो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा। सो इसलिए एक टीचर के अंदर एक एम्पैथी की भावना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा। सो यहाँ पर जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज एम्पैथी। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमें assertion reasoning based question दिया गया है, सो बहुत अच्छे से assertion और reasoning दोनों terms को statements को समझेंगे तब आंसर करेंगे। assertion देखते हैं, formal communication tend to be very fast and flexible always। अब यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा भी formal communication के बारे में पहले पढ़ा है तो हमें पता है कि जो formal communication होता है वो बहुत सारे channels और प्रोसीजर्स के थ्रू जाता है, इसलिए वो डिले करता है कम्युनिकेशन को एंड वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होता क्योंकि आपको प्रॉपर ऑफिशियल लाइंस ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ती है।
सो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो फास्ट कम्युनिकेशन भी नहीं है और वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है. तो एजर्शन हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे. रीजन देखते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन. जैसे कि अभी हमने बात करी कि उसमें प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑफिशियल चैनल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. तो जो रीजन है वो बिल्कुल ठीक है. सो एक बार ऑप्शंस को देखते हैं. ए ए एंड आर बोथ आर करेक्ट. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये तो हो नहीं सकता है. बी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये भी नहीं है हमारा आंसर. सी ए इज राइट आर इज रॉन्ग दैट इज अजर्शन इज राइट. क्योंकि यहाँ पे अजर्शन गलत है इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता है. डी ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट. ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि अजर्शन यहाँ पे गलत दी गई है. सो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो आप देख सकते हैं कि अगर आपको काफी ईजी क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तब भी आप जल्दबाजी ना करें. काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जो बाद में हमें आके बताते हैं कि सर हमने जल्दबाजी में मिस्टेक कर दिए. तो अगर आपको ईजी क्वेश्चन भी दिखता है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके पास सफिशियंट टाइम है तो आप प्रॉपर एक से दो बार एटलीस्ट क्वेश्चन को रीड करें एंड तभी आंसर को मार्क करें. आगे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इंटरैक्शन इज नीडेड फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग. ये अगेन assertion reasoning based क्वेश्चन है. तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि इंटरैक्शन बहुत ही अच्छा मेथड है इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के लिए. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर आप अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हैं तो आप बहुत ही इफेक्टिव टीचर कहलाएंगे और आपकी जो क्लासरूम टीचिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली वर्क करेगी. रीजन देखते हैं. मोर कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग. अब ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट हो सकता है या स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट हो सकता है. इसको एक बार दोबारा रीड करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि मोर कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस पे आपका कंट्रोल एज अ टीचर तो स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं इस पे भी आपका कंट्रोल रहेगा. हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कितना लर्न करेंगे, क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं, बट क्या लर्न कर रहे हैं और किस तरीके से लर्न कर रहे हैं इस पे हमारा कंट्रोल रहेगा. और इसका रीज़न ये है कि अगर मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव है, अगर मैंने उसमें जो भी बैरियर्स हैं वो एलिमिनेट कर दिए हैं तो मैं ये अश्योर ज़रूर हो सकता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं, किस तरीके से लर्न कर रहे हैं, कितना लर्न कर पा रहे हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा. सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं. बट यहाँ पे मैं बता दूं कि डायरेक्टली इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग और जो कंट्रोल प्रोसेस है ये दोनों आपस में लिंक्ड नहीं है इसलिए ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है. क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव है. सो ये कोई ज़रूरी नहीं है. एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. ए ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये नहीं है क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन आपस में. बी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये करेक्ट आंसर होना चाहिए. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि जो भी आज हमने क्वेश्चन किए वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को हम रिजॉल्व कर लें. Till then, keep watching our videos. Thank you and have a nice day.